हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट इंप्रूवर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज हाउ व्हेन एंड वेयर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कब कहाँ और कैसे। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मी एंड दीज नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी अदर स्टडी मटेरियल अपार्ट फ्रॉम दिस। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है 7 पेजेस का। नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं 1.5 पेज के। एक अश्योरेंस मैं आपको देती हूँ, इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो इंटरनल क्वेश्चन हो या किसी बुक से मैम क्वेश्चन बना के दे, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम। चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स जो हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। डेट्स का मतलब ईयर्स, ठीक है। ये जो ईयर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अर्लियर हिस्ट्री वॉज आइडेंटिकल विद डेट्स, मतलब पहले टाइम पे हिस्ट्री को डेट्स से या फिर ईयर से जोड़ा जाता था। काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि हिस्ट्री हमें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे ईयर्स याद रखने पड़ते हैं कि किस साल क्या हुआ, किस राजा ने किसको किस साल में हराया या फिर कौन सी लड़ाई जो है किस ईयर में लड़ी गई थी, ठीक है। तो वही बात इस पॉइंट पर लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। मतलब हिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि पहले जो टाइम था उस टाइम में कौन सी चीज़ किस तरीके की हुआ करती थी या फिर किस तरीके का माहौल हुआ करता था, और आज जो टाइम है, अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, उसमें कितना हद तक जो है बदलाव आया, ठीक है। अब कितने हद तक जो बदलाव आया या फिर कितने चेंजेस आए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियसली हिस्ट्री वॉज अ अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। मतलब पहले टाइम में हिस्ट्री को कैसे देखते थे लोग, कि हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सी लड़ाई जो है किस टाइम लड़ी गई थी, किस ईयर में लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। इसके अलावा बड़े बड़े इवेंट्स को हम ईयर वाइज याद करते हैं। कौन से इवेंट्स की यहाँ बात हो रही है, कि कौन से राजा ने किस टाइम अपना जो है सिंहासन संभाला था या फिर किस टाइम वो राजा बना था। अपार्ट फ्रॉम दिस, किस साल में उसकी मैरिज हुई थी और उसके बच्चे हुए थे। उसके अलावा किस राजा को उसने किस साल हराया या फिर कौन सी लड़ाई में वो खुद हार गया था और उसकी डेथ हो गई थी। और इसके अलावा उसकी मौत के बाद किस राजा ने आगे जाकर के उसकी गद्दी को संभाला या फिर उसकी थ्रोन को संभाला। सो यही सब बता रखा है इस पॉइंट में। प्रीवियसली हिस्ट्री वॉज अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट सच एज द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही वॉज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर और बैटल, द ईयर ही डाइड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू हिज थ्रोन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नाउ हिस्टोरियंस लुक मोर टूवर्ड्स वाई एंड हाउ थिंग्स हैपन एंड नॉट ऑन वेन थिंग हैपन्स। मतलब आज के टाइम के लोग या जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा कि कौन सी जो इवेंट है या फिर कौन सी जो बैटल है कब हुई थी, उससे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच डेट्स। कौन सी डेट्स की बात कर रहे हैं हम या फिर कौन से ईयर्स की जो है हम हिस्ट्री में बात करते हैं। द डेट्स वी सिलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। ये जो डेट्स है या फिर जो ये ईयर है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर हम फोकस करते हैं। इन ईयर्स में वही ईयर हम पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री में हम वही ईयर पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे या फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। क्योंकि अगर हम सारे साल पढ़ने लगे, क्योंकि हर साल तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, सिर्फ वो साल हम पढ़ते हैं जिस साल जो है कोई इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट हुआ हो या फिर कोई इम्पॉर्टेंट घटना हुई हो। कौन से इवेंट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखो, इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब ये डेट्स या फिर ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट कब बन जाते हैं, फोकस ऑफ स्टडी मतलब कि हमारी स्टडी पे बेस्ड है कि ये ईयर इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो हम उस टाइम पे जो है इवेंट्स हुए थे वो हमारे लिए फोकस ऑफ स्टडी होगा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या क्या नई डिस्कवरीज हुई थी या फिर उस टाइम पे जो है क्या क्या चेंजेस हुए या फिर क्या क्या नई पॉलिसीज बनाई गई। अगर बात करें मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर पे जो हमारा फोकस ऑफ स्टडी होगा वो अलग होगा। हम ईयर्स जो होंगे हम अलग चूज करेंगे कि इस ईयर से लेकर इस ईयर तक जो है कौन से नए रूल्स और पॉलिसीज जो है बनाई गई, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हमारी हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे तरीके से बांटा गया, हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किस तरीके से किया गया। वी डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस। मतलब हमने जो है हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में या फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किन बेसिस पे, उन ईयर्स के बीच में जो हमको करेक्टरिस्टिक्स दिखे उनके बेसिस पे, ठीक है।
और जो हमको सेंट्रल फीचर अपीयर हो रहे थे उस टाइम पे, कौन से जो इवेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं किस तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया, किन जो है पीरियड्स में डिवाइड किया। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 1817 में जेम्स मिल नाम का एक पर्सन हुआ करता था, जो कि क्या था, एक इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर। उसने अपनी बुक जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उसने जिक्र किया था, उसने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में, तीन पीरियड में डिवाइड करने की बात रखी थी। कौन से वो पीरियड्स थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एक टाइम ऐसा जब हिंदू रहा करते थे हमारे इंडिया में, फिर जब मुस्लिम आ गए और जब ब्रिटिशर्स आए थे। अकॉर्डिंग टू मिल, ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जेम्स मिल के हिसाब से जितनी भी एशियन सोसाइटी थी वो यूरोप के मुकाबले जो है सभ्यता के हिसाब से लोअर लेवल पे थी, ठीक है। अगर जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं उनको सभ्यता के हिसाब से रैंक दी जाए, वो सभी जो है यूरोप से नीचे आती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो है और कौन सा तरीका था या फिर और किस बेसिस पे हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, पीरियड्स में बांटा गया। अब देखो क्या लिखा है इसमें, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उसने डिवाइड किया है हमारी हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में, कौन सी, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। मॉडर्न पीरियड कौन सा था, मॉडर्न पीरियड में हम कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इट वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। मतलब इसके अंदर हम पढ़ते हैं जब हमारे इंडिया ने एक ग्रोथ की तरफ प्रस्थान कर लिया था या फिर मॉडर्निटी की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर दिया था। मॉडर्निटी मतलब साइंस से रिलेटेड जो है डिस्कवरी होने लग गई थी, जब हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग गए थे कि जो उनके साथ में हो रहा है या रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनके ऊपर फोर्स किए जा रहे हैं उनका कारण क्या है। डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लिबर्टी आ चुकी थी, इक्वालिटी आ चुकी थी, हर एक इंसान को ये हक था कि वो अपनी बात रख सके, उनको इक्वल दर्जा मिल चुका था, ठीक है, अपने हक की वो लड़ाई लड़ सकते थे, ठीक है। ये था हमारा मॉडर्न पीरियड। अब मिडिवल पीरियड क्या होता है, मिडिवल पीरियड वॉज यूज्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज अ सोसाइटी विदाउट सच फीचर्स, ठीक है। ये सभी फीचर्स जो थे, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये सभी जो फीचर थे मॉडर्न पीरियड में नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते थे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, या फिर जब राजाओं का जो है राज होता था हमारे ऊपर, या फिर हमें चुपचाप मानने पड़ते थे रूल्स जो कि वो इन्फोर्स करते थे हमारे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, बट अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव द इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए हमारे पास में ये हक नहीं था कि हम अपना फ्रीडम, मतलब हमारे पास में आज़ादी भी नहीं थी, ना हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे, ना हमको इक्वल दर्जा दिया गया था। इसी कारण से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस पीरियड को नाम दिया कॉलोनियल का, ठीक है। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। सो दैट्स इट, आज इस चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।